हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेश नारियल की बर्फी, और ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है खाने में। और रक्षाबंधन आ रही है तो मैंने सोचा मेरे भाई के लिए मैं नारियल की बर्फी बनाती हूँ, उसके बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक फ्रेश नारियल ले लिया है। ये देखिए, मैंने इसका जो बाहर वाला हिस्सा है उसको मैंने हटा दिया है। अब हम इसका जो ये काला वाला जो छिलका है इसको हम अच्छे से छील लेते हैं। चाकू की मदद से इसको हम अच्छे से छील लेंगे। ये सारा जो काला वाला हिस्सा है ये इसका हटा देंगे हम। ये देखिए, मैंने सारे छिलके को उतार लिया है। ये देखिए, बिल्कुल एकदम साफ हो गए हैं, हो गया हमारा नारियल। अब इसको हम अच्छे पानी से एकदम साफ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पानी लिया है और सारे नारियल को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है। अब हमारा नारियल है उसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। ये देखिए, ऐसे मैं इसको काट लेती हूँ जिससे हमारे इसको पीसने में थोड़ी आसानी होगी। सारे नारियल को हम ऐसे ही काट लेते हैं। ये देखिए, मैंने नारियल को सारे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अब इसको हम कवर कर देते हैं और इसका एक बुरादा तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने नारियल को अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए, बुरादा तैयार हो गया है नारियल का। इस तरीके से हमें इसको रखना है। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें हमने जो नारियल का बुरादा तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। ये मैंने सारा डाल दिया है इसमें। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे जब तक इसका जो सारा मॉइस्चर है, पानी है, वो सूख ना जाए नारियल का। इसको हम चलाते रहेंगे। अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे और ये नारियल की बर्फी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बिल्कुल जल्दी से बनकर भी तैयार हो जाती है, और सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा आती है ये बर्फी। तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच फ्रेश क्रीम यूज़ की है। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, और यहाँ पर मैंने घर का जो दूध के ऊपर जो मलाई आती है वही यूज़ की है। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें जो हमने मलाई को फेंटा था वो इसमें डाल देंगे। इससे हमारी जो बर्फी है बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी और बहुत टेस्ट भी अच्छा आएगा इसमें। ये इसको हम चलाएंगे, अच्छे से इसको मिला लेते हैं हम। नारियल के साथ हमारी मलाई अच्छे से मिल जाएगी। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप दूध भी यूज कर सकते हैं, दूध से भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चीनी यूज की है। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब चीनी को अच्छे से नारियल के अंदर मिला लेंगे हम। ये नारियल की बर्फी फ्रेंड्स मेरे भाई की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और इसलिए मैं रक्षाबंधन पर उसके लिए ये मिठाई बना रही हूँ। तो आप भी अपने भाई के लिए ज़रूर बनाइए। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर से जो हमारी बर्फी में फ्लेवर है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपको इलायची पाउडर पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये हमने इलायची पाउडर अच्छे से मिला दिया है। अब 2 मिनट तक इसको और पकाएंगे और फिर गैस को हम ऑफ कर देंगे। ये 2 मिनट हो गए हैं, अब गैस को हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली है, इस पे हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं ताकि हमारी बर्फी है अच्छे से हम इसको निकाल सकें। ये हमने लगा दिया है। अब इसमें जो हमारा नारियल का मिक्सचर है वो सारा डाल देंगे। ये सारा मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसको हम अच्छे से फैला देंगे, बिल्कुल एकदम पूरी प्लेट में अच्छे से इसको फैला देंगे।
ये हमने नारियल के सारे मिक्सचर को अच्छे से बिल्कुल एकदम पूरी प्लेट में फैला दिया है। अब इसको हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे सेट होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो बर्फी है बिल्कुल सेट हो गई है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। मैं स्क्वेयर पीसेस में इसको कट कर रही हूँ। आप चाहें अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसी पसंद हो वैसे आप इसे कट कर सकते हैं। छोटे पीसेस में ही कर रही हूँ मैं। ये देखिए अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखिए सारी बर्फी को हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, फिर हम इसे डेकोरेट करेंगे। कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये। ये देखिए हमने बर्फी को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें मैं बादाम के छोटे छोटे पीसेस लगा देती हूँ, जिससे हमारी बर्फी और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। ये देखिए इस तरीके से सारी बर्फी पे हम ऐसे ही लगा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम रेडी हो चुकी है हमारी बर्फी। बिल्कुल अच्छी लग रही है ये, और मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी एकदम मलाईदार बनी है ये। एकदम सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ये बर्फी। आप रक्षाबंधन पर इस बर्फी को ज़रूर बनाइएगा, अपने भाई को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी ये। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।